7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए आईटीबीपी आरटीसी करेरा ने साइकिल रैली निकाली। 7 अप्रैल 2022 को पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए आईटीबीपी आरटीसी करेरा ने आज 7 अप्रैल 2022 को साइकिल रैली शाम 5 बजे आईटीबीपी परिसर से निकालकर एक महिला जवान सहित 22 जवानों के साथ साइकिल रैली आईटीबीपी परिसर से महुअर पुल, काली माता मंदिर, शिवपुरी रोड, गणेश चौक, कच्ची गली, बस स्टैंड, बीज भंडार रोड पहुंची। साइकिल रैली का पुलिस सहायता केंद्र पर आरटीसी डीआईजी सुरेंद्र खत्री ने स्वागत किया। स्वास्थ्य के ऊपर जवानों, करेरा एसडीओपी जीडी शर्मा, डीआईजी ने नगरवासियों, दुकानदारों को साइकिल सवार अपने अनुभव साझा किए। रैली में एक महिला जवान सहित 22 जवानों ने साइकिल सवार में भाग लिया। करेरा से संजय गुप्ता, बिलैया की रिपोर्ट। वो जनता के बीच में है, वहां पे कोई सा भी शहर ऐसा नहीं है कि जहां पे कि आपको शहर के मार्केट के बीच में आपको मोटरसाइकिल मिल जाए, आपको कार खड़ी हुई मिल जाए। जो भी कार होगी, जो भी मोटरसाइकिल होगा, वो मार्केट से कम 400 से 500 मीटर दूर होगा। अगर कोई अपना मोटरसाइकिल भी खड़ा कर देता है, उसके ऊपर चलान हो जाता है। और एक यही बहुत बड़ा कारण है कि ना तो वहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन मिलेगा, और वहाँ के लोग आपको 80 साल में भी ऐसे लगता है कि ये 25 साल का नौजवान चल रहा है। तो दोस्तों, यदि आप साइकिल अपनाते हैं तो इसके बहुत फायदे हैं, और आप भी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 60 साल की उम्र में भी आप 25 साल के नौजवान लगेंगे। इस उपलक्ष को हमने एक आम नागरिक के लिए एक मैसेज छोड़ना चाहा है कि अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आप मोटरसाइकिल को छोड़ें और आप साइकिल अपनाएं। जितनी जल्दी आप साइकिल अपनाएंगे और जितना ज़्यादा आप साइकिल चलाएंगे, आप उतना ही फिट रहेंगे। आपका मोटापा भी गायब होगा, आपका पेट्रोल भी बचेगा, हर तरफ से ये एक लाभकारी चीज़ है। डीआईजी सर ने एक अनूठी पहल की है साइकिल रैली की। साइकिल रैली दरअसल एक संकेत मात्र है आपके द्वारा जो दिया गया है कि साइकिल चलाएं और स्वस्थ रहें। ये एक संकेत है। आज का जो उद्देश्य है वो ये है कि मूल रूप से आप अपना शरीर को स्वस्थ रखें। वो किस प्रकार रखे जाते हैं, उसमें से एक कारण साइकिल है। मेरा आपसे सभी ये निवेदन है और ये कहना है कि हम खूब कमा लें, हमारे बच्चे खूब अच्छे बन जाएं, बड़े बड़े पदों पर चले जाएं, हमारा घर धन धान्य से पूर्ण हो, लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सारी रकम, सारा पैसा, सब कुछ आपके लिए बेकार है। जीवन में सच्चा दोस्त यदि कोई आपका है, ये याद कर ले, जो भी सुन रहे हैं यहाँ पे, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, ये मेरा भी अनुभव है और हमारे पुरातन जो ऋषि हैं उनका भी ये कहना है कि आपका सबसे अच्छा दोस्त कोई है तो वो आपका शरीर है। शरीर से अच्छा दोस्त आपके ना पत्नी है, ना दोस्त है, ना बच्चे हैं। बुढ़ापे में आपके कोई काम नहीं आने वाला, ये शरीर है जो आपके काम आएगा। इस शरीर की देखभाल कैसे की जाए, रख रखाव कैसे किया जाए कि हम जब तक जिंदा हैं तब तक हमें अस्पताल जाने की आवश्यकता ना पड़े, ये हमारा प्रत्येक का उद्देश्य होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि मैं और मेरी पत्नी दोनों करीब 5 किलोमीटर हम लोग चलते हैं 50 मिनट में, और साइकिलिंग भी करते हैं हम लोग। यहाँ से आईटीबीपी से बाहर निकलते हैं सुबह, और उधर से जो दूसरा रास्ता है जहाँ पे करेरा इन लिखा हुआ है, वहाँ से एंटर होते हैं साइकिल से। मेरी पत्नी बीमार हुई अभी, ये आज ही कल ही वो हॉस्पिटल से लौटी है, तो ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती थी। आज जो पूरे विश्व को सबसे ज्यादा जरूरत है जिस चीज की अवेयरनेस की, तो है अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने के लिए। इसी के लिए साइकिल रैली आयोजित की गई है। साइकिल चलाने से कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ होते हैं, दिल से जुड़ी बीमारियां और गठिया आदि कई प्रकार की बीमारियों को साइकिल चलाने से दूर किया जा सकता है। 1 घंटा साइकिल चलाने से लगभग 300 कैलोरी बर्न होती है, और हृदय से जुड़ी हुई और मधुमेह जैसे विभिन्न प्रकार के
रोगों से जुड़ी हुई बीमारियों से दूर रहने के लिए साइकिल रोजाना साइकिल चलाना आपके स्वास्थ्य के लिए और इस पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है। मैं ये मैसेज पहुंचाना है कि साइकिल की उपयोगिता अभी खत्म नहीं हुई है, जैसा कि हमारे साथी, लेकिन साइकिल आज फ्यूल बचाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है, जो दुनिया में पॉल्यूशन फैलाने का एक सबसे बड़ा रीजन है। यूरोपियन कंट्रीज में ये कल्चर है कि वहाँ ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, और अपने डेली रूटीन में वो साइकिल चलाते हैं, जिससे सिर्फ उनके स्वास्थ्य को मदद नहीं मिलती बल्कि दुनिया में जो पॉल्यूशन की एक समस्या है उसको भी घटाने में एक बहुत बड़ा उसकी भागीदारी है। इसीलिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का आप सभी से आग्रह है कि अपने जीवन में साइकिल चलाने को ज़्यादा से ज़्यादा जगह दें, छोटी छोटी यात्राओं के लिए साइकिल का उपयोग करें, जिससे आपका स्वास्थ्य पहले से काफ़ी बेहतर हो सके। थैंक यू। जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स के कारण डेथ्स हो रही हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण मोटरसाइकिल का है। तो यदि आप मोटरसाइकिल घर में न्योता देते हैं, मोटरसाइकिल घर में लेके आते हैं, तो आप सोचिए कि दुर्घटना का भी सबसे बड़ा एक सोर्स आपका मोटरसाइकिल है। आपके बड़े बच्चे अगर जिद करते हैं, उसकी जिद के आगे झुकना नहीं है। बोलो बेटा, मैं तेरे को 20,000 का साइकिल लेके दे दूंगा, लेकिन आई विल नॉट गिव यू मोटरसाइकिल। रखी जाती है, तो इस बार इसकी थीम है अवर प्लेनेट अवर हेल्थ। तो अपने हेल्थ के साथ साथ हमें अपने प्लेनेट को भी देखना है, देखना क्या है, उसे प्रदूषण से मुक्त करना है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार साल में लगभग 13 मिलियन से ज्यादा मौतें प्रदूषण के कारण हुई बीमारियों से होती है। तो अपने स्वास्थ्य को देखना है, साथ साथ प्रदूषण को भी रोकना है। उसके लिए जैसे कि अभी ITPP द्वारा साइकिल रैली निकाली गई है, जागरूकता दिखाने के लिए निकाली गई है कि आप थोड़ा नजदीक जाने के लिए बाइक या कार की बजाय साइकिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना है, सुबह बिस्तर